दिस इज़ मीनल एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी संडे इवनिंग व्लॉग। कोई कुछ प्लान नहीं था कि करूँगी, बट बिकॉज कल मेरे कॉलेज एग्जाम्स है अलॉन्ग विद माई कोचिंग टेस्ट, वीकली टेस्ट। इट्स ऑलरेडी बीन 6:15, एटलीस्ट मुझे 9 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। सो मैं 2 टारगेट्स अभी फ़िलहाल के लिए लेकर चल रही हूँ। फर्स्ट इज़ टू रिवाइज माई नोट्स, अभी तक ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, तो रिवाइज़ या पढ़ना जो भी है एक दिन पहले पढ़ेंगे कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए। सो फर्स्ट तो कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए जो पढ़ना है, एंड सेकेंड इज़ टू रिवाइज ज्योग्राफी। आज भी क्लास थी दिन में और पूरे वीक का सब कुछ आता है, तो वो सारा कुछ रिवाइज करना है। सो स्टार्ट करते हैं। का जो रिवीजन था वो हो गया, एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज ज्योग्राफी। करते हैं, बट लेट्स डू इट। थोड़े से कुछ डाउट्स हैं तो मैंने वो नोट कर लिए हैं, बस उन डाउट्स को देखना है और बाकी डन हो चुका है। डन विद ज्योग्राफी और फिर उसके बाद रिवाइज किए अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स 10 मिनट में, एंड नाउ इट्स 9 o'clock। अभी डिनर करूँगी, देन मेरा प्लान है, मेरी एक क्लास बची हुई है बैकलॉग की है, तो वो पढ़ूँगी और 2 घंटे की क्लास है, बट 1.5 घंटे में ट्राई करूँगी हो जाए। उसके पहले DPPs करनी है, क्योंकि मैं पूरी वीक की एक बार मैं DPPs करती हूँ, तो वो करूँगी पूरा। क्लास अबाउट टू डन है, हो गई है, बस 2-3 मिनट की है। DPPs डन, हिस्ट्री की क्लास डन जो बैकलॉग वाली बची थी, एंड इट्स ऑलरेडी 12 o'clock। सो अब जस्ट सोना है, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट माई संडे इवनिंग रूटीन। ऐसा कुछ होता नहीं है रूटीन, बट इस बार कुछ बिकॉज एग्ज़ाम्स भी हैं, टेस्ट भी है, सो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।